म्यूजिक। दिल टूट गया है मेरा, सब खत्म हो गया है मेरा, हाथ से मर गया मैं तेरे लिए, बस तू खुश रहना काफी है मेरे लिए। फ्रेंड्स कैसे हो आप सब, आई होप कि सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स अभी अपने प्रीव्यू पर जिस तरह का सैड सॉन्ग पर डीजे व्हाट्सएप स्टेटस देखा फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो सैड सॉन्ग पर न्यू डीजे व्हाट्सएप स्टेटस कुछ इसी प्रकार का जो क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। फ्रेंड्स आज का जो वीडियो फ्रेंड्स काफ़ी कड़क होने वाला, जो वीडियो फ्रेंड सैड सॉन्ग पर, बहुत भाई ने मुझे कॉमेंट किया था कि सैड सॉन्ग पर वीडियो लाओ फ्रेंड्स, तो मैं लेके आ चुका हूँ। फ्रेंड्स आप लोग इस तरह जो सैड सॉन्ग पर वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फ्रेंड्स वीडियो पे बने रहना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। फ्रेंड्स वीडियो में एट इस चैट सेटिंग बताऊंगा आपको इस तरह का जो सैड सॉन्ग पर डीजे व्हाट्सएप स्टेटस कैसे क्रिएट कर सकना। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस तरह का स्टेटस बनाने के लिए फ्रेंड्स को कुछ ना करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने मोबाइल में जो काइन मास्टर होता है वो डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड हो जाने के बाद तो का जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार दिखेगा। दिखने के बाद में क्या करना, सबसे पहले जो बीट मार्क प्रोजेक्ट होता है उसको अपने काइन मास्टर इंपोर्ट करना। कैसे इंपोर्ट करना, फिर पर वीडियो बना दें, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, देख लेना। इंपोर्ट कर लेने के बाद का जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार दिखेगा। दिखने के बाद में क्या करना, चलो मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले को फर्स्ट दरवाजे में फर्स्ट ब्लैक का बैकग्राउंड है जिसका थोड़ा बहुत ज़्यादा फोटो पर क्लिक करना पड़ा। उसके बाद को मीडिया पे जाना है, मीडिया पे जाने के बाद उसको नीचे आना। नीचे आने के बाद यहाँ से अपना गैलरी से जो लिरिक्स वाला वीडियोस को ऐड करना, जिसे मैं ऐड कर लेता हूँ, यहाँ से डन करना। उसके बाद थोड़ा आगे आ जाना जहाँ से ब्लैक कलर का और बैकग्राउंड स्टार्ट हो रहा है, तो उसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि मुझे जो फोटो ऐड करने में दिक्कत नहीं होगा। तो आप भी पहले थोड़ा इस तरह से जूम करना दोनों उंगलियों की मदद से। उसके बाद जो ब्लैक कलर बैकग्राउंड क्लिक करना है, मीडिया पर जाना, इसको अगर नीचे आना, फिर नीचे आने के बाद यहाँ पर मिलेगा हम बॉयस फोटो ले लेना है। खुद का फोटो अगर बनाना चाहता हुआ दिल टूटा तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मैं यहाँ से फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, डन करना। फिर आगे का जो बैकग्राउंड इस पर क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, इसको अगर नीचे आना, फिर से जाना है जो सैड बॉयस का फोटो उसको ले लेना। तो फिर इसी तरह से फोटो ऐड करना, तो फोटो किस तरह से ऐड करना उसको ए टू जेड समझ में आ चुका होगा। फिर तो अब इसी तरह से अपना गैलरी से फोटो एक एक फोटो ऐड कर लेना। जो फोटो ऐड करने का काम है बस फटाफट से कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा इसे इफेक्ट कैसे ऐड करना है। तो फ्रेंड्स देखो मैंने जो फोटो सॉन्ग के लास्ट तक ऐड कर लो, ऐड हो जाने के बाद मेरा डन करना। आपको सबसे पहले फर्स्ट दरवाजा जाना है, फर्स्ट दरवाजा जाने के बाद थोड़ा सा स्लाइड करके इस तरह से यहाँ से फोटो स्टार्ट हो रहा है कुछ इस तरह से आ जाना है यहाँ तक। फर्स्ट फोटो पे क्लिक करना फ्रेंड्स को, और क्लिक करने के बाद फिर क्या करना, कैलीग्राफी पे जाना है। कैलीग्राफी पे जाने के बाद को नीचे ना मिलेगा ओल्ड फिंक ऑप्शन पे क्लिक करना, फर्स्ट में इफेक्ट इसको ऐड करना, डन करना। उसके बाद क्या करना फ्रेंड्स, जो फोटो वाला सेकंड फोटो पे क्लिक करना है, कैलीग्राफी पे जाना, उसके नीचे ना जो हॉलवेल पार्टी का इफेक्ट इसका जो 10 नंबर इफेक्ट ऐड करना है। ये जो हॉलवेल पार्टी का इफेक्ट अपन से चार फोटो में ऐड करना है 10 नंबर इफेक्ट। जैसे कि मैं हॉलवेल पार्टी का चार फोटो में 10 नंबर इफेक्ट ऐड कर लेता हूँ। फ्रेंड्स समझ आ चुका, जो चार फोटो में हॉलवेल पार्टी का 10 नंबर इफेक्ट ऐड करना है, कहाँ तक ऐड करना है फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो फोटो है फोटो पे क्लिक करना, इसका ज़्यादा थ्री डॉट पे जाना, इसका डुप्लीकेट लेयर बना लेना फ्रेंड्स को कुछ तरह से घींच के इतना बड़ा कर लेना। आपको इतना बड़ा हो जाने के बाद फिर क्या करना, इसको इधर से स्लाइड को कर लेना। जैसे कि मैं देखो यहाँ से स्लाइड कर लेता हूँ, अभी फिर मैं जिस तरह का बताऊँ इसी तरह स्लाइड कर लेना है। की का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर टिक लगा देना है, क्लिक कर देने के बस में थोड़ा आगे करना, इसको स्लाइड करके कुछ इस तरह से इस साइड ले आना। जैसे कि मैं इस साइड ले आता हूँ यहाँ तक, यहाँ तक ले आने के बाद उसको लास्ट तरफ आ जाना, लास्ट पोजीशन में इसको फोटो को धीरे धीरे स्लाइड करके यहाँ तक ले आना। तो बस हमारा फोटो में इफेक्ट ऐड हो चुका है। उसके बाद इसी फोटो के फर्स्ट तरफ आ जाना, आपको आ जाने के बाद लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद नीचे आना, थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद उसको मिलेगा आपको ये इफेक्ट जो ग्लास ब्रोकन वाला, इसको ऐड कर लेना। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। ऐड करने के बॉक्स पे क्लिक करना, व्हाइट कलर के बॉक्स पे लेना, डन करना। फिर ब्लैक ग्लास ब्रोकन वीडियो पे क्लिक करना, साउंड सबसे पहले म्यूट कर देना, डन करना आपको। और इस पर फिर से वीडियो पे क्लिक करना, उसका नीचे ब्लेंडिंग का ऑप्शन देखेगा, इस पर क्लिक करना और यहाँ से स्क्रीन सेलेक्ट कर लेना, डन करना। और जहाँ तक ये फोटो का ड्यूरेशन यहाँ तक आ जाना, जो ब्लैक जो ग्लास ब्रोकन वीडियो का जो ड्यूरेशन ज़्यादा उसको यहाँ से कट लगा देना और यहाँ से डन। तो इसी तरह इसको ऐड करना, फिर से फिर चार फोटो में हॉर्बल पार्टी का 10 नंबर इफेक्ट ऐड करना। उसके बाद जो फोटो क्लिक करना, थ्री डॉट पे जाना, इसका डुप्लीकेट बना लेना है, फिर को इस तरह से घींच के इतना बड़ा कर लेना फ्रेंड्स। और इस बार को इधर से को स्लाइड करना है, तो चलो मैं सबसे पहले इसको इधर से स्लाइड कर लेता हूँ। उधर से किया था उस अगला फोटो में इधर कर लेना, किक ऑप्शन पर क्लिक करना, थोड़ा आगे आना इतना दूर तक,
इसको स्लाइड करके कुछ इस तरह से इस पोजीशन में ले आना, ले आने के बाद लास्ट तरफ आ जाना आपको, और इसको खींच के कुछ इस तरह से यहाँ तक रख देना है। और यहाँ से फिर से मीडिया पे क्लिक, जो ग्लास ब्रोकन वीडियो ऐड कर लेना, उसके बाद फिर जस्ट जो चार फोटो इस पर क्लिक करना, क्लिकोग्राफी पे जाना, हॉलवेल फाड़े का 10 नंबर इफेक्ट ऐड कर लेना है, यहाँ से चार फोटो में ऐड कर लेना। फिर से इसमें जो इसको भी डुप्लीकेट बना के मैंने जिस तरह का बताया प्रोसेस, अगला जो फोटो में उसी तरह को इसमें भी ऐड कर लेना। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से फिर चार फोटो में को हॉलवेल फाड़े का 10 नंबर इफेक्ट ऐड करना। उसके बाद जो फोटो आप देख लीजिए इसका डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा, तो फोटो पे क्लिक करना, क्लिकोग्राफी पे जाना है और इसको नीचे आना। फ्रेंड्स नीचे आने के बाद इफेक्ट मिलेगा जो ओल्ड फिंग का ऑप्शन, क्लिक करना, फर्स्ट नंबर ऐड करना। फ्रेंड्स सॉरी, फर्स्ट नंबर ऐड करने के बाद ड्यूरेशन कम लगे इसका ड्यूरेशन फोटो के लास्ट तक खींच के ले आना है और यहाँ से डन करना। डन हो जाने के बाद जो फोटो है इसको तीन भागों में सबसे पहले फटाफट से डिवाइड कर लेना है। तो मेरा दो हो चुका और मैं इसको एक बार मैं कट लगा देता हूँ। ये देखो मैंने कट लगा दिया, तो मेरा तीन भागों में डिवाइड हो चुका है फाइनली। इतना हो जाने के बाद उसके बाद जो फोटो आ रहा है फोटो पे क्लिक करना आपको, क्लिकोग्राफी पे जाना, क्लिकोग्राफी पे जाने के बाद उसके नीचे आना। नीचे आने के बाद मेरे सिस्टम इफेक्ट्स पे क्लिक करना, जो सेकंड नंबर इफेक्ट इसको ऐड कर देना, डन करना। ऐड करने के बाद डन करना, फिर उसके बाद यहाँ से तीन फोटो में जो क्लिक करना, क्लिकोग्राफी पे जाना, इसको अगर नीचे आना। फिर नीचे आने के बाद जो वेस्टर्न गन फाइट का ऑप्शन देख रहा है थ्री नंबर इफेक्ट ऐड करना, ये जो वेस्टर्न गन फाइट का थ्री नंबर इफेक्ट है यहाँ से तीन फोटो में ऐड करना है। जैसे कि मैं तीन फोटो में आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, आप भी तीन फोटो में ऐड कर लेना। फ्रेंड्स तो देखो मैं कहाँ तक मेरा ऐड हुआ है, मैं देख लेता हूँ। तो मेरा एक और एक फोटो में बाकी थी, ये रहा फोटो पे क्लिक करना, इसको नीचे आना है, फिर से जाना वेस्टर्न गन फाइट पे और जो थ्री नंबर इफेक्ट इसको ऐड करना, डन करना। उसके बाद जो फोटो आएगा फोटो पे क्लिक करना, क्लिकोग्राफी पे जाना आपको, इसको अगर नीचे आना। फिर नीचे आने के बाद यहाँ से फिर से जाना सिस्टम पे और ये टू नंबर इफेक्ट ऐड कर लेना। तो अपने से एक फोटो में आपको 610 का दो नंबर इफेक्ट ऐड करना और यहाँ से तीन फोटो में वेस्टर्न गन फाइट का थ्री नंबर इफेक्ट ऐड करना। फिर एक फोटो में आपको 610 का टू नंबर ऐड करना और तीन फोटो में 610 वेस्टर्न गन फाइट का थ्री नंबर ऐड करना। तो इसी तरह से कुछ दूर तक तो फोटो में कोई इफेक्ट ऐड करना, जैसे कि मैं कोई ऐड करके दिखा देता हूँ। अब ऐड कर लेना, फिर मैंने बता दिया, समझ आ चुका होगा कहाँ तक ऐड करना, यहाँ तक ऐड कर लेना। फ्रेंड्स यहाँ तक जैसे कि 32 सेकंड और 436 पॉइंट तक। उसके बाद जो फोटो का फोटो पे क्लिक करना, फ्रेंड्स क्लिकोग्राफी पे जाना आपको, इसको अगर नीचे आना, फिर जाना हॉलवेल पार्टी पे और यहाँ से 10 नंबर इफेक्ट ऐड करना। ये जो 10 नंबर इफेक्ट है चारों फोटो में ऐड कर लेना, तो बस मेरा स्टेटस काफ़ी कड़क बन के दिखेगा। मैंने जिस तरह का बताया फिर इस तरह का स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अगर ऐड करते हो, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा वीडियो। पूरा फोटो में ऐड कर लेना फ्रेंड्स, उधर भी मैंने वीडियो स्किप कर दिया थोड़ा बहुत, मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाता। और यहाँ जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है तो क्लिक कर देना आपको, जैसे भी इस पर क्लिक करोगे फ्रेंड्स का जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, जितना एचडी में वीडियो सेव करना, जो सेव का ऑप्शन दिख रहा है उसे क्लिक करके अपना वीडियो सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू।